पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देखी इस वीडियो में हम स्ट्रेन डिस्कस करते हैं स्ट्रेन इज़ द चेंज इन डायमेंशनज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल लोड जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशनल चेंजेस होती हैं उसमें दो रेशियो ऑफ दिस चेंज टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज स्ट्रेन के मिसाल के तौर पे हमने पिछली वीडियो में ये जो एक बार की एग्ज़ाम्पल ली थी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की बार है यानी कि प्रिजमेटिक बार है उसके अगर दोनों एंड पे फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच किया जाए तो उसकी लेंथ में डेल्टा एल इंक्रीज होता है तो वो जो इंक्रीज़ है उस इंक्रीज़ की रेशियो टू द औरिजनल लेंथ इज़ नोन एज स्ट्रेम तो चेंज इन डमेंशन मीन्स बिकमिंग लॉन्गर अंडर टेंशन और शॉर्टर वेन इनकम्प्रेशन और ये भी हमने डिस्कस किया था कि बार के ऊपर जब ये स्ट्रेचिंग होगी तो फिर इसकी लेंथ में इंक्रीज होगा और जब कंप्रेशन होगी तो फिर इसकी लेंथ में डिक्रीज होगा तो प्रीवियस एग्जांपल में डेल्टा रिप्रेजेंट्स द इोंगेशन ऑफ द बार अंडर टेंशन देन द स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड सिलोन इज गिवन बाय द इक्वेशन डेल्टा ओवर एल जो चेंज इन लेंथ है उसकी रेशियो टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन वेन बार इज इन टेंशन द स्ट्रेन इज कॉल्ड अ टेंसाइल स्ट्रेन दैट टू द बार और जब टेंशन होगी बार के ऊपर तो जो स्ट्रेन uh, होगी उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे और ये स्ट्रेन जो है इट विल इट टू टेंगे द बार और जब बार कंप्रेशन में हो द स्ट्रेन इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन दैट टू शॉर्टन द बार और इससे जो बार की लेंथ है वो आ, कम होगी जब उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स होगी द स्ट्रेन एसोसिएटेड विद नॉर्मल स्ट्रेस इज़ नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन जैसे हमने स्ट्रेस के केस में देखा था कि अगर फोर्स नॉर्मल टू द सर्फस हों तो हम उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रेन होती है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेन कहेंगे सिंस स्ट्रेन इज़ रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स क्योंकि इस फार्मूले में अगर आप देखें तो ये जो डेल्टा है ये भी चेंज इन लेंथ है लेंथ है ये भी और नीचे ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ है तो दोनों के यूनिट लेंथ के होंगे तो इस तरीके से जो स्ट्रेन है वो यूनिट लेस है डायमेंशन लैस है स्ट्रेन कैन बी एक्सप्रेसड एज अ परसेंट अगर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन लेंथ भी मयर हो सकता है तो टेंसाइल स्ट्रेन इज़ यूजुअली टेकन एज पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन एज नेगेटिव ये जो टेंसाइल स्ट्रेन है इसको पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि जब ये बार जो है वो अंडर आ, टेंशन होती है तो उसकी फ़ाइनल लेंथ इनिशियल से ज़्यादा हो जाती है तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और जब कंप्रेसिव फोर्सेस हों तो जो फाइनल लेंथ है वो ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ से छोटी होगी तो फिर जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो नेगेटिव समझी जाती है इसके बाद स्ट्रेन के बाद हम देखते हैं कि यह स्ट्रेस और स्ट्रेन मैयर कैसे की जाती हैं और इससे मैकेनिकल बिहेवियर का पता कैसे चलता है तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं